नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने परिवार यूनिक ऑनलाइन गुरु में। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम डेट आ गई है ओ लेवल जुलाई 2022 के लिए और 25 जून तक है वो। और इतना ही नहीं, आपका अगस्त में एग्जाम होगा उसकी भी डेट आ गई है ओ लेवल की। तो मैंने ये सारी चीजें डिस्कस किया तो वहां बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर एक छोटा सा वीडियो बनाइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन R5 एंड R6। अभी तो 2020 में हम लोग R4 से R5 में आए थे, लेकिन फिर 2022 में हम लोग R5 से R6 में आ गए, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। मैं बात कर रहा हूं रत्नाकर और आप देख रहे हैं यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। चलिए दोस्तों, देखिए सबसे पहला और मेजर डिफरेंस मैं बात करता हूं किसके बीच में, M1 को छोड़ो हटाओ, एक चीज मैं बता दूं आपको, M1 और R5 ये जो दो चीज लिखा रहता है या इसके बजाय लिखा रहता है R6, तो इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। एक चीज सिंपल सा जान लो, M का मतलब होता है मॉड्यूल और R का मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है रिवीजन। यानी कि अब जो है ये छठवीं बार, यानी कि सिक्स्थ टाइम जो है ये आपका रिवाइज्ड हुआ है सिलेबस। या आप क्लियर कर लो इस चीज को, बात समझ में आई, यानी छठवीं बार आपका सिलेबस रिवाइज हुआ है, तो यहां टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज ये तो मान लो एक सिंपल सी चीज हो गई। दूसरी चीज मैं बात करूं, अगर आपके M1 R5, M2 R5 या M1 R6 या M2 R6 मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आपका R5 था, इस R5 में आपके पास चार पेपर होते थे, याद है सबको ना जी, याद है तुझको। एक होता था M1 R5, M2 R5, M3 R5 और आपका M4 R5। ये चार पेपर होते थे। फिर उसके बाद एक प्रैक्टिकल होता था और आपका एक प्रोजेक्ट होता था। ध्यान से इस वीडियो को देख लो एक बार, फिर जो है कभी समस्या नहीं आएगी आपको। इतना आपका एग्जाम देना होता था, यानी कुल मिला जुला अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5 एग्जाम होते थे, एक आपका प्रोजेक्ट जमा होता था। ये आपका डिफरेंस होता था, बात समझ में आई। अगर हम अब इसी को पोर्ट करते हैं R6 में करते हैं, तो R6 की बात अगर हम करें, किसकी बात करें, अगर हम R6 की बात करें, यानी कि रिवीजन 6 की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें क्या डिफरेंसेस हैं ये जान लो आप। इसमें क्या हुआ जी, इसको दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया, एक तो कर दिया थ्योरी पोर्शन और दूसरा क्या कर दिया, प्रैक्टिकल पोर्शन, बात समझ में आई। अब इन्होंने क्या किया, थ्योरी को भी चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, M1, M2, M3 और M4, और प्रैक्टिकल को भी इन्होंने क्या किया, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, M1P, M2P, M3P और M4P, ये चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि अब जो है आपका 8 एग्जाम होना है, ये चीज ध्यान में रखना। यानी कि पहले 4 होता था, अब 8 होना है, और एक लास्ट में जो आपका प्रोजेक्ट वाला सेशन था, ये आपका प्रोजेक्ट भी जमा करना होगा, तभी जाकर के आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, बात समझ में आ गई। इसके बाद की बात करें हम लोग, थोड़ा सा डिफरेंस, ये हमारा हो गया इसका सिलेबस, ठीक है। अब एक चीज और जान लो,
ये जो आप सोच रहे होगे कि सर इसकी तो फीस जो है वो 750 रुपया पर पेपर होता है, यही होता है ना, और जो पहले होता था इसका भी प्रैक्टिकल का कितना था, 500 रुपया फीस था, याद है सबको, कितना था भाई 500 रुपया। तो अब इसमें भी सीधी सी बात है, इन सब की फीस भी जो है वो 500 रुपया पर पेपर होगा। अब आप इसको जो है क्या करोगे, अगर इसको आपको भरना है तो आपको फी देना ही पड़ेगा, और फी देकर के आप क्या करोगे, आराम से इस चीज को भर सकोगे और देख सकोगे। बात समझ में आई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे मैं बात कर लूं कि आपका जो R5 था, जो आपका R5 था इसमें क्या था, इसमें था आपका 40 नंबर का क्या था जी MCQ, और 60 नंबर का क्या था डिस्क्रिप्टिव। बात समझ में आई। टोटल मिला जुला के होता था 100 मार्क्स, इस तरीके से हम लोग पेपर देते थे। और 100 में से पाना कितना होता था जी, 100 में से पाना होता था 50, और 50% क्या होता था, ये आपका पासिंग मार्क होता था। यही तो होता था भाई, यही मेजर डिफरेंसेस है ना। अगर हम बात करें इसमें थोड़ा सा और बात करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो हो गया मान लो R5 का, ठीक है। अब R6 में क्या हो रहा है, कौन सी कहानी चली जा रही है। अगर हम R6 की बात करें तो R6 में क्या होगा, 100 मार्क्स का MCQ बेस्ड होगा, या फिर हम लोग कह सकते ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। बात समझ में आई। और 100 में से 33 आपका क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क, यानी कि 33% पे आप पास हो जाओगे। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है, एक चीज ध्यान में रखना, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न तो एक चीज में था लेकिन अभी दो चीजों में हो गया है। तो यहां पे एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आपको थ्योरी में भी 33% पाना होगा और आपको प्रैक्टिकल में भी 33% पाना होगा। अगर आप 33% नहीं पाते हो तो आप पास नहीं होगे, इस चीज को आप ध्यान में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हैं कि सर कैसे पास होंगे। तो भाई देखो, एक चीज जान लो, यहां पे एकदम कॉमन सी बात है कि जब तक आप इसमें भी 33% नहीं पाओगे और प्रैक्टिकल में भी 33% नहीं पाओगे, तब तक आप पास नहीं हो सकते। पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप ओ लेवल को क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। एक दो डिफरेंसेस और जान लो इसके बारे में। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर क्या नए पैटर्न में निगेटिव मार्किंग आ गई है क्या। तो भाई नो निगेटिव मार्किंग, ध्यान रखना इस चीज को, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं आई है। बात समझ में आई। पहले में भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था, अब भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी चीज, आपकी सेम ग्रेडिंग पैटर्न रहेगा। क्या है भाई, आपका सेम ग्रेडिंग पैटर्न रहेगा, जैसे आपका R5 था इक्वल टू R6 हो जाएगा, एकदम सेम ग्रेडिंग पैटर्न रहेगा, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज सर, एक क्वेश्चन आ रहा था बच्चों के बीच में कि सर ये बता दीजिए हमें कि मान लीजिए मैंने 4 पेपर दे दिए हैं, प्रैक्टिकल नहीं दिया है, अब प्रैक्टिकल हमें क्या चारों का देना पड़ेगा। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 चांस मिलेगा प्रैक्टिकल पास करने के लिए। कितना अच्छा है, 2 चांस आपको मिल रहा है प्रैक्टिकल पास करने के लिए। 2 चांस में आप प्रैक्टिकल पास कर लो, और उसके बाद भी अगर 2 चांस के बाद आप प्रैक्टिकल नहीं पास कर पाते हो तो फिर आपको जो है क्या करना पड़ेगा, चारों का देना पड़ेगा। 2 चांस मिलेगा आपको भाई, एक बात ध्यान में रखना, कितना चांस, 2 चांस आपको मिलेगा प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो भी बच्चे एग्जाम दे चुके हैं 1, 2, 3, 4, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल का जो है हम लोगों का एग्जाम कैसे होगा,
ये चीजें थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये आप जान लो कि दो चांस उसे मिलेगा और दोनों चांस में उसे एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज सर, एक साथ ही एडमिट कार्ड आएगा? नहीं भाई, आप एक बार जान लो, थ्योरी का अलग एडमिट कार्ड आएगा, बात समझ में आई, अलग एडमिट कार्ड आएगा, और आपका प्रैक्टिकल का आपका अलग एडमिट कार्ड आएगा। ध्यान रखना इस चीज को, बात समझ में आई, इसका अलग एडमिट कार्ड आएगा, इसका अलग एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों। और आपको एक बेहतर सुझाव ये होगा कि आप प्रैक्टिकल पे फोकस करना शुरू कर दो। और जो हमारा चैनल है यूनिक ऑनलाइन गुरु, इसमें बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल आपको मिल रही है। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट सूचना जो मैं ये आपको पढ़ा रहा हूं, ये देखो मैं तुरंत आपके सामने टेलीग्राम पे डाल देता हूं, बात समझ में आई, मैं आपको टेलीग्राम पे तुरंत सामने सामने भेजता हूं ताकि आप लोगों को कभी कोई समस्या ना हो टेलीग्राम पे ढूंढने में, ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको समस्या आ रही है, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, ओ लेवल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर आपको कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जानना है, या एग्जाम कैसे देना है इसके बारे में आपको जानना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया कॉन्टेक्ट नंबर है, बात समझ में आई, आप वहां पे जा करके हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। आप हमें ओ लेवल विथ रत्नाकर सर में ये पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूं, ये पीडीएफ आप लोग देख लेना, कंप्लीट आपको मिल जाएगा, ठीक। ओ लेवल विथ रत्नाकर सर ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप यहां पे जा करके अपने पीडीएफ को देख लेना और पीडीएफ के बारे में अधिक जानकारी ले लेना। अगर आपको समस्या होती या किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, या फिर आप यूनिक ग्रुप ऐप डाउनलोड कर लो। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, एकदम गजब का मैंने सबके लिए लॉन्च किया है कि आपको कुछ नहीं करना है जी, आपको अपने यूनिक ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पे जाना है, उसके चैनल में चले जाओ, वहां पे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा ओ लेवल वाला, ओ लेवल वाला एक चैनल बनाया गया है, जिस चैनल पे आपको बहुत सारे थ्योरी पोर्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिकल मिल जाएंगे। देखो ये सारे वीडियोस आपको जो है, बहुत सारे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे मिल जाएंगे, जो कि आप जुलाई के एग्जाम के लिए आपके बहुत एक बेहतर भूमिका निभाने वाला है दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन बच्चों का हेल्प हो सके जो बच्चे समस्या से जूझ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कॉल कर लो, एक क्रैश कोर्स पाइथन का स्टार्ट हो रहा है जुलाई के लिए, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप, या फिर आप जनवरी 2023 के लिए आप एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे अपने क्लास के दूसरे नोटिफिकेशन में, दूसरी वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।